Assalamu alaikum, dear viewers. Our today's topic is impact of ICT devices upon our life. Or you can say that advantages and usage of ICT devices in our daily life. Let's proceed our lesson. Impact of ICT devices on society. माशरे पर ICT devices का क्या असर होता है, क्या फ़ायदा है इनका? फर्स्ट इम्पैक्ट इज डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग, डिफरेंट टाइप का डेटा जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है और उसे हैंडल करने के भी डिफरेंट तरीके हैं. जैसे स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, उसका रिजल्ट है, उसके सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं, उसकी अटेंडेंस है, ये सारा कुछ जो है ये डेटा है और इसे कंप्यूटर के ज़रिए और मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए हैंडल किया जा सकता है. नेक्स्ट वन है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन. माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन ऐसी डिवाइसेस जिनमें एक छोटा कोई सर्किट लगा होता है, इसमें मेमोरी होती है, इंस्ट्रक्शंस से दी जा सकती हैं और उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, उससे डिफरेंट काम ले सकते हैं. मिसाल के तौर पे माइक्रो ओवन है, उसमें ख़ास टाइमर लगा होता है, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो चलता है और चीज़ों को गर्म करता है. इसी तरह वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स और बहुत सारे गैजेट ऐसे हैं जिसमें छोटे प्रोसेसर लगे होते हैं और हमारे लिए कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज बुकिंग सिस्टम. बुकिंग सिस्टम क्या है? घर बैठे हम सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, ट्रेन में, बस में, होटल्स में रूम रिज़र्व करवा सकते हैं, या सिनेमा की टिकट्स ख़रीद सकते हैं, या कोई मैच खेला जा रहा है तो उस मैच के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं और अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं ऑनलाइन. देखते हैं आगे कैसे कैसे होगा, इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा डिटेल से आगे पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंपल सा इंट्रोडक्शन है. इसके अलावा है बैंकिंग एप्लीकेशन. ICT डिवाइसेस के ज़रिए हम बैंकिंग जो है उससे भी ऑनलाइन और घर बैठे एट ईज एक्सेस कर सकते हैं. इट मीन्स ICT डिवाइसेस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ अलॉट. हमें बहुत ज़्यादा सहूलत पहुँचा दी है ICT डिवाइसेस ने. तो देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डेटा हैंडलिंग एंड हाउ कैन वी हैंडल डेटा. गैदरिंग डेटा और कलेक्टिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा इन अ मीनिंगफुल वे एंड रिट्रीविंग डेटा, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं ये मिलके कहलाते हैं डेटा हैंडलिंग. यानी डेटा को स्टोर करना, डेटा को गैदर करना, कलेक्ट करना, डेटा को मीनिंगफुल वे में प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और फिर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है उसे रिट्रीव करना, ये सारे प्रोसेस जो हैं इन्हें कहते हैं डेटा हैंडलिंग. इसमें हम आपको समझाने के लिए एक छोटी सी स्कूल की मिसाल देते हैं. अगरचे हर ऑफिस में ये काम हो रहा होता है डेटा हैंडलिंग वाला, स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अकाउंट्स यानी उसकी फीसों का निज़ाम है, फीस जमा होती है तो मुख्तलिफ मदों में जमा होती है, उस सब को हैंडल किया जा रहा है अकाउंट्स में. इसके अलावा स्कूल रिकॉर्ड हैं, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है उसका, उसने कितनी बुक्स जो हैं वो इशू करवाई हैं, कब कब करवाई हैं, कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो उसने पढ़ी हुई हैं. इसके अलावा उसके रिजल्ट्स हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस है और बहुत सारा काम इसमें हो सकता है. ये सारा का सारा डेटा है और इसे हैंडल कैसे किया जाता है, कंप्यूटर्स के ज़रिए. आजकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बन चुके हैं जिसमें स्कूल्स को हैंडल किया जाता है. इसके अलावा एग्ज़ाम को भी हैंडल किया जा सकता है, अब तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह बहुत सारा काम हो सकता है. तो कंप्यूटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, प्रिंटर्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो हैं ये सारी जो हैं मिलके डेटा हैंडलिंग में हमारी हेल्प करती हैं. ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि ये डिवाइसेस जो हैं ये आमतौर पर डेटा हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. नेक्स्ट थिंग इस माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन. ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी डिवाइसेस जिनमें छोटे प्रोसेसर लगे होते हैं वो कुछ कंप्यूटराइज्ड वर्क करवाते हैं डिवाइस से, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन. अ प्रोग्रामेबल सर्किट दैट इज़ यूज्ड इन इक्विपमेंट्स दैट एक्सेप्ट्स सिग्नल्स और कमांड्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन. तो जो इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर की हुई होती हैं उसके ज़रिए ये जो
प्रोग्रामेबल सर्किट्स होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है अपनी मर्जी का और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम देना। कभी आप गए होंगे फोटोकॉपियर के पास, फोटोकॉपी वाली मशीन, उसमें फोटोकॉपीज की तादाद वो प्रेस करता है, वो एक सारा कुछ कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को छोटा बड़ा भी करवा सकते हैं फोटोस्टेट मशीन में, और बहुत सारा काम भी उसमें माइक्रो प्रोसेसर के जरिए हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन है, जिसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को टम्परेचर पे, ख़ास टम्परेचर पे गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है बुकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग और रिजर्वेशन सिस्टम, सर्विस ऑफ बुकिंग और परचेसिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स एनी वेयर एनी टाइम यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए हम बैठे कहीं से भी, चाहे वहाँ पे कोई स्टेशन है या नहीं, इंटरनेट के ज़रिए हम बैठे टिकट परचेज कर सकते हैं। अगर हमने बहावलपुर से जाना है सपोज़ कराची या लाहौर या कहीं भी, कहीं से कहीं भी, तो वो हम ऑनलाइन रिजर्वेशन के ज़रिए टिकट अपना रिज़र्व करवा सकते हैं, सीट अपनी रिज़र्व करवा सकते हैं। सिमिलरली हम मुख्तलिफ एयरलाइंस में अपने टिकट भी रिज़र्व करवा सकते हैं, एरोप्लेन्स में और आजकल बसेस में भी डेवो ये फैसिलिटी देती है, ऑनलाइन आप रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होटल्स हैं जो अपना काम, रूम्स जो हैं वो भी आपको आपके रिज़र्व ऑनलाइन करते हैं, वेब को यूज़ करते हुए आप रूम रिज़र्व करवा सकते हैं। इसके अलावा मूवी टिकट्स भी आप ख़रीद सकते हैं, मैचों के टिकट्स भी आप ख़रीद सकते हैं, बहुत सारा काम इसके साथ हो सकता है। नेक्स्ट थिंग है बैंकिंग एप्लीकेशंस। बैंकिंग एप्लीकेशन आप लोग तो खैर अभी स्टूडेंट लाइफ में से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अकाउंट्स होंगे, तो आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं, अपनी यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, बैंकिंग की पॉलिसीज इंटरनेट पे देख सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो खैर अभी CDM यानी कैश डिपॉज़िट मशीन नहीं है, लेकिन कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में ये इस्तेमाल हो रही है, आप किसी भी वक्त जाके पैसे जमा करवा सकते हैं। और ATM मशीन से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि ATM कार्ड के ज़रिए हम ATM मशीन से जब चाहें रकम निकलवा सकते हैं। इसके अलावा हम घर बैठे कुछ ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वो भी हम पे कर सकते हैं। यह है बैंकिंग सेक्टर में इसकी एप्लीकेशन। अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़।